आपसे सहायता अधिक से अधिक दिलाई जाएगी। फॉर्मेलिटीज के लिए अगर जरूरत हुआ तो कल रविवार को भी कार्यालय खुलवा के मैं काम करूँगा। सर क्लाइंट की मांगे सुनिए, मांग अब क्या हो सकती है, जो व्यक्ति अब नहीं है उसके बदले में तो चाहे कितनी भी मांग हो जाए कम ही है। अब यह है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आर्थिक सहायता के लिए अधिक से अधिक की मांग है। मांग क्या मतलब, हम खुद ही प्रयास करेंगे बिना मांग के। सर एक अवध हॉस्पिटल में भर्ती है जो पटेल गंज, अवध नहीं केजीएमयू ट्रामा में है, ट्रामा में मैंने अभी अभी उसी भीड़ में मैंने नाम वो भी मैं अभी बात करता हूँ जी भाई, उनको ठीक से इलाज हो, जो घायल है उनका ठीक से इलाज। सर किसी परिवार के नौकरी की बात की है क्या? देखिए नौकरी का कोई आश्वासन मैं झूठा नहीं दे सकता आपसे, जैसी स्थिति होगी जैसी पात्रता होगी चयन होगा तो निश्चित रूप से सहानुभूति पे विचार किया जाएगा कि इनके घर से किसी का ऐसा हुआ है जी, तो उस पर सहानुभूति पे देखा जा सकता है, लेकिन कोई उसका आश्वासन नहीं है। थी कमजोर थी इसलिए यहाँ पर ACM 3 आए और उन्हें जो भी इनको राजकीय सहायता दी जा सकती थी उसका इनको आश्वासन दिया है, जिस पर अब गाड़ी अंतिम संस्कार के लिए जा रही है। हाँ गाड़ी की पहचान हो गई है और जैसे ही ये लोग अपना एप्लीकेशन देते हैं उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। तो ड्यूटी जा रही थी सुबह 6:30 बजे, एक बजे बीच में एक ट्रक टैंकर वो गाड़ी जा रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया जी। उनका ट्रक वाले का पता चला? नहीं कुछ नहीं पता चला। आप उनकी कौन है? हम उनकी लड़की हैं छोटी सबसे, और कोई पता नहीं चल रहा है क्या हुआ क्या। और घर के और क्या व्यक्ति थे आपके? हाँ घर के कितने व्यक्ति थे आपके? दो। ये मेरी एक लैब में सेंटर में पड़ी है, अभी तक ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ सीरियस हालत हो रही, कुछ सुनवाई नहीं होती ना किसी से मिलने। अधिकारी कोई आपको नहीं? भैया कोई अधिकारी नहीं आया है, किसी सुनवाई वही माँ नहीं होती है। क्या मांग आप सरकार से, क्या मांग अभी तो माँ भी जिनकी सीरियस हालत वो मेरी भाभी लगती है। आपको सरकार से क्या मांग है आपकी? नौकरी दे सरकार, नौकरी एक बच्चे को नौकरी दे, मिलने से क्या फायदा है।